अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस का प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ खालिद हमीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी उरूज पर है और आए दिन सिक्योरिटी एहलकार और आम शहरी इन हमलों का शिकार हो रहे हैं। अभी हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले डेरा इस्माइल खान की तहसील कोलाची से पाकिस्तान फ़ौज के आला अफसर और फ्रंटियर कांस्टेबलरी FC के 3 एहलकारों समेत 7 अफराद को अगवा कर लिया गया। अगवा होने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद खालिद और अमीर खान गंडापुर के 2 भाई और 1 भतीजा शामिल हैं। इत्तलात हैं कि मुसल्ला मुलजिमान मगवियों को कलाची से मुलहिका लोनी ले गए हैं। मकामी पुलिस अहदेदार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है के कोलाची तहसील के मुख्तलिफ इलाकों में अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ताहम उन्होंने मजीद तफसील बताने से गुरेज किया। DI खान प्रेस के सदर यासीन कुरैशी के मुताबिक अब तक किसी फर्द या ग्रोह ने अगवा की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, जबकि पुलिस, सिविल और सिक्योरिटी अहदेदार इस वाक़े पर कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान का बहुत अरसे से ये इसरार है कि दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों के पीछे TTP का हाथ है, जिसकी शाखें अफगानिस्तान में हैं और वहां से बैठकर वो अपना मिशन पूरा करते हैं, जबकि अफगान हुकूमत उनकी कार्रवाइयां रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं करती। दूसरी जानिब अफगान तालिबान TTP को हमेशा पाकिस्तान का अंदरूनी मसला करार देते हैं। तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी कराती रहती है। उनका मौकिफ रहा है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं हो रहा। अब एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दावा किया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है। बुध 28 अगस्त को काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान तालिबान आर्मी चीफ फसीहुद्दीन फितरत ने कहा कि TTP की पाकिस्तान में बेसिस हैं और कुछ इलाकों पर उसका कंट्रोल है जहां से वो पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं। उनका कहना था कि TTP के जंगजुओं की अफगानिस्तान में मौजूदगी साबित नहीं हो सकी। वॉइस ऑफ अमेरिका के अयाज गुल के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे खसूसी आसिफ दुरानी ने बुध को इस्लामाबाद में एक सेमिनार के दौरान कहा था कि तालिबान हुकूमत इस तासुर को जायल करे कि TTP वाले उनके नज़रियाती कज़िन हैं। उनका कहना था कि तहरीक तालिबान से मुंसलिक दहशतगर्दी का ताल्लुक अफगानिस्तान के मसले की वजह से है, लिहाजा दोनों ममालिक को मुल्क के मिलकर TTP जैसे नासूर का खात्मा करना होगा। उनके बकौल ये वो कम से कम इकदाम है जो अफगान तालिबान दोतरफा ताल्लुकात को पायदार बनाने के लिए कर सकते हैं। आसिफ दुरानी का कहना था कि अफगान तालिबान सरहद पार खून रेजी करने वाली TTP के साथ अपने ताल्लुक की वजाहत के साथ साथ ख्वातीन पर पाबंदियों से मुतालिक खदशात भी दूर करें। आसिफ दुरानी ने मजीद कहा कि TTP के मामले पर तनाव के बावजूद पाकिस्तान चारों तरफ से खुश्की में घिरे हुए अफगानिस्तान को ज़मीनी और समंदरी रास्ते से तिजारत में मदद करता है ताकि काबुल हुकूमत माशी चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। अक़्वामे मुत्तहिदा ने अपनी हालिया रिपोर्ट्स में TTP को अफगानिस्तान में सबसे बड़ा दहशतगर्द करार दिया था। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि तालिबान हुकूमत पाकिस्तान में तबातुर के साथ हमलों के लिए TTP की हिमायत करती है। तालिबान हुकूमत इन इल्जामात की तर्दीद करती है। मंगल को अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खदशात पर अपनी तशवीश का इजहार किया था। अमरीकी महकमे दिफा पेंटेगन के प्रेस सेक्रेटरी मेजर जनरल पैट राइडर ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अफगानिस्तान में दाइश यानी खुरासान के खतरे से नाजरें नहीं चुरा सकते, लिहाजा हमें इंसदाद दहशतगर्दी पर तवज्जो
मरकूज रखनी चाहिए। उन्होंने TTP का नाम लिए बगैर कहा था कि अफगानिस्तान में और भी दहशतगर्द ग्रुप मुकीम हैं। तो नाज़रीन, दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सूरत हाल रोज़ पर रोज़ बिगड़ती जा रही है। अफगानिस्तान किसी तौर ये कबूल करने को तैयार नहीं है कि उसकी सरजमीन इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत सर तोड़ कोशिश कर रही है मगर हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि कैसे इन हमलों को रोका जाए और अमन व अमान कायम हो? कोई तजवीज़ हो तो बताइएगा, मुंतज़र रहेंगे। खुदा हाफिज़।